अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कोरोना वायरस इकोनॉमिक रिसेशन और अब टिड्डियों का हमला, इंग्लिश में कहे तो लोकस अटैक। एक मुसीबत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी शुरू हुई। तो क्या है ये टिड्डियां, क्यों हम पे हमला किए जा रही हैं, किसको इसके पीछे जिम्मेदार ठहरा है? पर इंडियन मीडिया ने तो हद ही कर दी। जी हाँ दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के भड़काऊ भाषण देने में मशहूर और मारूफ एंकर अर्नब गोस्वामी ने टिड्डियों के हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश करार दे दी। जी हाँ, पाकिस्तान ने उन टिड्डियों को आतंकवाद बना के इंडिया भेजा है। तो कोई सिंकर से पूछे कि भाई इस साजिश के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? क्या उन टिड्डियों के ऊपर कोई नैनो जीपीएस चिप लगाई जाती है कि ताकि उनको रिमोट कंट्रोल से उनकी सिमत मुतयन किया जाए? मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए आप। पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है, क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? खैर, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं लोकस्ट क्या है, क्या है इस रिसेंट अटैक के पीछे रीजंस, और ऑब्वियसली जानेंगे क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस दुनिया भर में टेस्ट आउट किए हैं। जानते हैं आज के इस तो सबसे पहले जानते हैं लोकस्ट के बारे में। लोकस्ट एक ऐसे इंसेक्ट है जो ग्रास होपर और क्रिकेट से काफी मिलता जुलता है। इनफैक्ट ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और लोकस्ट से रौ में पाए जाते हैं। एक टिपिकल और पिक्यूलियर बात जो लोकस्ट के अंदर पाए जाती है वो है उनकी टू फेसेस ऑफ लाइफ स्टाइल, यानी इनकी जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। सबसे पहले जब ये अकेले होते हैं तो ये कुछ इस तरह के होते हैं, इसे कहते हैं सोलिटेरी फेस। और जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो, यानी रेनी क्लाइमेट हो, वेट सोइल हो और वेजिटेशन उगी हो, तो इनकी ब्रीडिंग होती है और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इसे कहते हैं ग्रीगेरियस फॉर्म। ग्रीगेरियस फॉर्म में इनकी जो है ना वो सोशल हैबिट, सोशल बिहेवियर चेंज होता है। ये मोशनेबल होते हैं, इवन 81 माइल्स अ डे ये मूव कर सकते हैं। इनकी इंड्योरेंस बढ़ जाती है और ये इनकी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज होती है, और ये वैरायटी अमाउंट में जो है ना ये खाना खा सकते हैं, आपके लीव शूट स्टेम्स एंड सब कुछ ये जो है ना वो खा सकते हैं। एक टिड्डियों का झुंड कितनी साइज और कितना नुकसानदेह होता है? केन्या में 2020 में जो झुंड पाया गया उसकी साइज 40x60 किलोमीटर थी। अगर इस साइज से कोई रेक्टेंगल ड्रा करे तो उसकी लेंथ, इसकी एरिया होती है 2400 स्क्वायर किलोमीटर, और 1 स्क्वायर किलोमीटर में तकरीबन 150 मिलियन लोकास पाए जाते हैं। और एक दिन का खाना एक झुंड का वो बराबर होता है 35,000 लोगों के एक दिन के खाने के। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जो ना वो नुकसानदेह है। अगर पाकिस्तान में इमरजेंसी अगर वक्ती तौर पर जो ना वो एफर्ट्स नहीं लगे गए तो तकरीबन 500 मिलियन का जो ना नुकसान होने का तखमीन है। टिड्डियां कोई रिसेंट फिनोमिना नहीं है, गो पाकिस्तान में ये 27 सालों के बाद पहली दफा टिड्डियों का हमला हुआ है। इनकी हिस्ट्री तकरीबन हजारों लाखों साल पुरानी है। इवन एंशियंट इजिप्शियंस ने अपने टोम्स में जो ना इनकी स्ट्रक्चर को ड्रा की हुई है, इसलिए एंशियंट स्क्रिप्ट जैसे बाइबल हो गया, कुरान में इनका जिक्र मौजूद है। लेकिन आज के इस मसले के पीछे इनडायरेक्टली जो है ना वो क्लाइमेट चेंज को माना। FAO, Food and Agriculture Organization of United Nations की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडियन ओशन मजीद गर्म हो गया, जिसकी वजह से शदीद किस्म की बारिशें हुई ईस्ट अफ्रीका और इंपिटी क्वार्टर ऑफ सऊदी अरेबिया में, जिसकी वजह से सॉइल वेट हो गई, वेजिटेशन उगी, दस एक सूटेबल इन्वायरमेंट जनरेट हो गया टिड्डियों की ब्रीडिंग और ग्रीगेरियस फॉर्म में कन्वर्जन के लिए। तो ये जो है ना वो एक झुंड बन गया और जल्दी पेतेल जिसे कहते हैं, जो पिछली कुछ महीनों में जो साइक्लोनिक विंड्स आए उनकी डायरेक्शन भी ईस्ट वार्ड की तरफ थी।
तो इसकी वजह से जिसकी वजह से जो ना वो स्वाम की जो मूवमेंट थी वो ईस्ट वार्ड की तरफ ईरान से होते हुए पाकिस्तान आए और फिर इंडिया की तरफ मूव कर लिए। तो अब आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ कि किस तरह जो ना टिड्डियों को रोका जाए। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है जो दुनिया भर में यूज किया जाते हैं वो यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। लेकिन एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट से ये सॉल्यूशन हार्मफुल है क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स के अंदर रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि कार्सिनोजेनियस एजेंट्स पाए जाते हैं, कैंसर काजिंग एजेंट्स पाए जाते हैं जो कि इंसानों के लिए मुजिर है। इसी तरह पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस एजेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा है। और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना। लेकिन ये जो ना वो रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि ये जब लार्ज अमाउंट में जब हम ह्यूज अमाउंट में इनको डालें तो फिर ये इफेक्टिव होते हैं, कम अमाउंट में जो ना ये इनफेक्टिव होते हैं। तीसरा सॉल्यूशन जो है ना वो यूज ऑफ साउंड, जो ना वो साउंड की वजह से आवाज जब आप बजा देते हैं तो ये जो ना टिड्डियां भाग जाती हैं। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारे फार्मर भाइयों ने जो ना वो इस्तेमाल किया। From the state of Madhya Pradesh are playing loud music from speakers mounted on vehicles in an effort to drive the locusts away. एक और यूनिक और इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन जो पाकिस्तान की ओकारा डिस्ट्रिक्ट में यूज किया वो है किसानों से कहा गया कि वो टिड्डियां लाए, टिड्डियों को पकड़ के लाए तो हम उनको इसके बदले पैसे देंगे और हम इन टिड्डियों को जो ना चिकन फीडिंग इंडस्ट्री में यूज करेंगे। सोचा जाए तो एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पर किसानों को भी पैसे मिल रहे हैं और यहाँ पर चिकन फीडिंग इंडस्ट्री का भी जो ना वो फायदा हो रहा है। इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की क्रेडिट जाती है मोहम्मद खुर्शीद जो कि सिविल सर्वेंट है पाकिस्तान नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में, और जौहर अली जो कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में। तो मेंस क्या है इस सॉल्यूशन के पीछे? सबसे पहले तो इनका कहना है कि इनको रात टिड्डियों को जो ना रात को आसानी से पकड़ा जा सकता है क्योंकि ये मोशनलेस हो जाते हैं। दूसरी जो है चिकन फीडिंग इंडस्ट्री के लिए भी ये एक प्रॉफिट है क्योंकि एज कम्पेयर टू सोयाबीन्स जो कि करंटली जो ना वो जो चिकन फीडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर 45% प्रोटीन होती है जबकि टिड्डियों के अंदर जो ना वो 70% प्रोटीन पाई जाती है। साथ साथ जो है ना पर के जी जो ना टिड्डियाँ 30 रुपीज की जो ना वो पड़ती हैं, उनकी कॉस्ट 30 रुपीज है जबकि सोयाबीन्स की जो ना वो 90 रुपीज पर के जी जो ना उनकी कॉस्ट होती है। और साथ साथ जो ना पाकिस्तान इनको इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो ना वो पाकिस्तान एज अ कंट्री के लिए भी फायदा है क्योंकि जो ना फॉरेन एक्सचेंज में जो ना पाकिस्तान का पैसा बचता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।